अस्सलाम वालेकुम वीवर, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हैरियत से होंगे। वीवर, आपको क्रिकेट के मैदान से अपडेट करते चलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप के हवाले से बड़ा फैसला कर लिया, बताएंगे आपको इस वीडियो में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अजम सेठी ने एशिया कप की मेजबानी के हवाले से क्या कहा है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अगर चैनल पर पहली दफा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को प्रेस करके आल पे सेलेक्ट करना हरगिज न भूलें। पीसीबी के असूली और सख्त मौकफ के बाद भारतीय बोर्ड कमजोर पड़ता जा रहा है। रवां बरस सितंबर में होने वाले एशिया कप का मेजबान पाकिस्तान है, लेकिन इवेंट कहाँ होगा, किसी दूसरे मुल्क में या फिर पाकिस्तान में ही हो, तमाम अभी तक इसका कोई फैसला नहीं हो सका। ऐसे में पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी का यह बयान सामने आया कि पीएसएल से पीसीबी को माली इस्तेहकाम मिला है, लिहाजा भारत के एशिया कप न खेलने से भी इन्हें माली तौर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। नजम सेठी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि माजी में भारत के इनकार के बावजूद हम भारत जाकर खेलते रहे, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। लोग पूछते हैं कि भारत खेलने नहीं आता तो पाकिस्तान टीम जाती है, भारत का पाकिस्तान आना सियासी मसला है तो पाकिस्तान का भी है। उन्होंने कहा कि भारत अगर एशिया कप के मैचेस न्यूट्रल मुकाम पर खेलना चाहता है तो फिर पाकिस्तान भी भारत में होने वाला वर्ल्ड कप किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलना चाहता है।